परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में मित्रों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी जीवन के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे सेंट पैट्रिक के जीवन के बारे में। जन्म 387 ईस्वी, मृत्यु 490 ईस्वी। मूल स्थान ब्रिटेन, दर्शन आयरलैंड। आइए हम ध्यान देते हैं विस्तृत में। युवा पैट्रिक को यह नहीं पता था कि परमेश्वर उन्हें उसी देश में वापस ले जाएगा जहां एक बार उन्हें आयरिश समुद्री डाकुओं द्वारा बंदी बनाकर गुलामी में बेच दिया गया था। घर से दूर एक मौलिक रूप से बुतपरस्त आयरलैंड में पैट्रिक ने अपनी युवावस्था में जिस धर्म की उपेक्षा की थी उसका आश्रय लिया। हालांकि उनके दादा एक पादरी और उनके पिता एक डिकॉन थे, लेकिन पैट्रिक सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। फिर भी परमेश्वर ने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए विदेश में उनकी यह कैद का समय का उपयोग किया। करीब 6 साल तक वहां उन्होंने अपना अधिकांश समय प्रार्थना में बिताया, जब तक कि प्रभु ने उन्हें छुटकारा नहीं दिया। हालांकि ब्रिटेन लौटने के बाद पैट्रिक को एक दर्शन मिला जिसमें एक स्वर्गदूत ने उन्हें अब वापस आयरलैंड जाने का निर्देश दिया। इस बार कैदी के रूप में नहीं बल्कि एक मिशनरी के रूप में। कुछ वर्षों की धार्मिक प्रशिक्षण के बाद पैट्रिक पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होकर आयरलैंड चले गए। एक अथक उत्साह के साथ उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने और मूर्तियों और अशुद्ध चीजों की पूजा करने वाले लोगों को परिवर्तित करने के लिए पूरे आयरलैंड की यात्रा की। आयरिश कबीले प्रणाली से परिचित होने के कारण पैट्रिक से एक अनूठी रणनीति विकसित की जो पहले प्रमुखों को सुसमाचार का प्रचार करना था और फिर उन्हें अपने कबीले को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस तरीके से वे आयरलैंड भर में कई हजारों लोगों को सफलतापूर्वक बपतिस्मा देने में सक्षम बने। पैट्रिक असाधारण साहस का एक विनर मिशनरी थे। द्वीपों पर उनका जीवन लगातार जोखिम में था और कई बार उन्हें बुतपरस्त प्रमुखों ने कैद किया। हालांकि द्वीप छोड़ने की उनकी इच्छा भारी थी, लेकिन पैट्रिक ने परमेश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए अपने दिल की सलाह दी, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित जगह थी। एक व्यक्ति जो प्रभु की दृष्टि में इतना विनम्र था और आयरलैंड के लिए प्रेरित के रूप में जाना जाता था, अपनी अंतिम सांस तक स्वर्गीय दर्शन से अव्यक्तारी नहीं बना। प्रिय, क्या आपको चोट पहुंचाने वालों के पास वापस जाकर मसीह के प्रेम को साझा करने के लिए आप तैयार हो? हे प्रभु, मुझे एक विनम्र आत्मा के साथ आपका वचन फैलाने के लिए शक्ति दीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।